और अब लखनऊ से बड़ी खबर है, विधानसभा सत्र को लेकर सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता के मुद्दे पर चर्चा ना हो इसीलिए सदन स्थगित किया गया, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है। सरकार जनता की समस्याओं पर चर्चा नहीं चाहती है, विधानसभा सत्र को स्थगित करना लोकतंत्र की हत्या है, ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगाए गए हैं। सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की, ये सपा की तरफ से कहा गया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र बीते दिन यानी दूसरे दिन स्थगित कर दिया गया अनिश्चितकाल के लिए, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर हो रही है और कह रही है आरोप लगाते हुए कि जनता के मुद्दों पर बातचीत ना हो इसीलिए सदन को स्थगित किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। कल की जो कार्य पुस्तिका थी उसमें जनगण मन अधिनायक भी नहीं था जो समाप्ति कर रहता है, एकाएक सरकार की तरफ से वक्तव्य आ गया कि हम सदन को समाप्त कर रहे हैं। जहां सरकार PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। थाने तहसील में आम जनता की सुनवाई नहीं कर रही है, विपक्ष के विधायक जिन मुद्दों पर जा रहे हैं उसकी सुनवाई नहीं कर रही है, तो न्याय के इस मंदिर पे सदन को भी इसीलिए नहीं चला रही है कि जनता के मुद्दों पर, प्रदेश की समस्याओं पर विपक्ष के विधायक अपनी बात रख सकें। लोक लेखा जैसी कमेटी जहां सारी स्कूटनी होती, आज सरकार और सरकार के अधिकारी किस मद का पैसा कहां खर्च कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अपव्यय किया जा रहा है, इसकी स्कूटनी कौन करेगा, लोक लेखा करेगा। कई हजार याचिकाएं पिछली याचिका समिति में पेंडिंग नहीं, और कितनी याचिकाएं इन दो हाउस में आ गई, आखिर ये याचिकाएं सदस्य क्यों ला रहे हैं जब वो कमेटी गठित ही नहीं है और उस पर कोई निस्तारण नहीं हो पाएगा, तो इन कमेटियों का क्या मतलब है। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।